फोन पर धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूरी घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट अभिषेक सिंह ने बताया कि होराबार थाने के सहनाहा गांव के निवासी व्यापारी रामानंद कनौजिया को बदमाशों ने झोपड़ी में सोते समय उठा ले गए और बांध पर ले जाकर उससे 1500 रुपए की लूट की और 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे, जिसके लिए बदमाशों ने नियत स्थान पर पैसे पहुँचाने को कहा था और वहां लाल रंग का झंडा गाड़ कर जगह की निशानदेही भी कर दी थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 4 बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ गए। पकड़े गए अभियुक्तों में खोराबार थाना क्षेत्र के अशफाक उर्फ सोनू, सोएब अहमद, नईम सिद्दीकी और राजघाट थाना का राम बाबू वर्मा शामिल थे। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट अभिषेक सिंह ने कहा, खोराबार थाने के सनाह गांव के रहने वाले हैं, तो इन्होंने सूचना दिया था कि 4 लड़के आए थे और मड़ई में क्या कहते हैं कि हम सोए हुए थे तो हमको उठा के ले गए, हमको मारे पीटे और धमकी दिए कि अमुक तिथि पे 2 लाख रुपए एक नियत स्थान पे अगर आपने नहीं रखे तो आपके बच्चे को हम जान से मार देंगे। जो तिथि इन्होंने निर्धारित की थी उस तिथि को इन्होंने लाल झंडे बिगाड़े थे वहाँ पे, क्योंकि वो आए नहीं, पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि आए ये लोग नहीं वो पैसे लेने के लिए, तो उन्होंने FIR दर्ज कराया था। SHO खोराबार ने काफ़ी प्रयास के बाद इन 4 लड़कों को पकड़ा जिन्होंने धमकी दिया था और पैसे मांगे थे और उससे 1500 रुपये की लूट की थी, जिस दिन वो लड़के ये जो 4 लड़के उनको उठा के मड़ई से ले जाके मारे थे। 4 लड़कों पर इन्होंने पहले भी एक घटना की थी जिन्होंने स्वीकार किया है, जिसका मतलब कि वो FIR दर्ज नहीं है। पैसा के जिन्होंने मेरी कल इनसे वार्ता हुई थी, बता रहे थे कि क्या कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये सूद का काम करता है, इसके पास काफ़ी पैसा है और ये पैसा क्या कहते हैं कि इससे लिया जा सकता है। इनमें से जो एक लड़का है ये सोएब, इसने इसका प्लान किया कि पैसे क्या कहते हैं कि इनसे लेके और आपस में हम लोग बांट के बाहर चला जाए। इसके पहले भी किसी घटना में शामिल है, शामिल है? FIR दर्ज नहीं है उसकी, एक घटना ही उन्होंने किया है, स्वीकार किया, उसकी FIR दर्ज।